देश के राजस्थान राज्य में वीर योद्धा महाराणा प्रताप की जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। हालांकि महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई को वर्ष 1540 में हुआ था, लेकिन हिंदू कैलेंडर के अनुसार महाराणा प्रताप का जन्म ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया के दिन हुआ था, जो इस साल 2 जून को पड़ रही है। यही वजह है कि आज यानी गुरुवार को महाराणा प्रताप की जयंती मनाई जा रही है। ऐसे में हम आपके लिए उनकी कुछ अनसुने किस्से लेकर आए हैं, जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। महाराणा प्रताप राजस्थान के प्रांत मेवाड़ के शासक थे। उनके पिता उदयपुर के संस्थापक उदय सिंह द्वितीय और माता महारानी जयवंता बाई थी। महाराणा अपनी वीरता के साथ साथ उत्कृष्ट युद्ध रणनीतिकार के रूप में भी जाने जाते थे। उन्होंने कई बार मुगलों से मेवाड़ की रक्षा की है, इसलिए उन्हें मेवाड़ी राणा के रूप में नामित किया गया। बता दें कि महाराणा प्रताप भारत सबसे वीर योद्धा माने जाते हैं। वो 7 फीट 5 इंच की ऊंचाई पर खड़े होकर 80 किलोग्राम का भाला फेंकने की क्षमता रखते थे। इतना ही नहीं, वो करीब 208 किलोग्राम वजन की 2 तलवारें एक साथ लेकर चला करते थे। इन सभी के अलावा महाराणा 72 किलो का सुरक्षा कवच पहनते थे। इतिहासकारों की माने तो जब राणा ने 1576 में हल्दीघाटी लड़ाई लड़ी थी, तब उन्होंने 81 किलो का भाला और 72 किलो का कवच पहना हुआ था। जी, आपको बता दें कि महाराणा ने मुगलों के खिलाफ स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी थी, इसी वजह से उन्हें भारत के पहले मूल स्वतंत्रता सेनानी के रूप में भी माना जाता है। बताया जाता है कि 19 जनवरी 1597 को जब महाराणा सिर्फ 56 साल के थे। ब्यूरो रिपोर्ट, IPL।